तैयारी शुरू करने के लिए कितने रुपए का जरूरत पड़ सकता है। हेलो सर, स्वागत है मेरे चैनल सिविल लॉयर 2.0 में। मैं इंजीनियर विवेक कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप एक ग्रुप डी से स्टार्ट करने जाते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 10,000 रुपया और बनाने के अलावा आपको टोटल खर्चा 15,000 रुपया लग सकता है। उसके बाद आपको मान के चल सकते हैं कि आप जब टेंडर डालने जाइएगा तो उसमें आपको FD 40 से 50 हज़ार रुपया जमा होगा। उसके अलावा आपको DD देना होगा, जो टेंडर फीस होता है, जो ये वापस नहीं होता है। टेंडर फीस वापस नहीं होता है, FD वापस हो जाता है। तो मान के चलिए टोटल आपका हो गया 50, 55 और उधर 15, 60, 70 हज़ार रुपया हो गया। 70 हज़ार रुपया उधर हो गया। जब आप इसके बाद आप टेंडर डाल चुके होंगे तो आप मान के चलिए आप इधर उधर घूमने में और इधर इधर एक्सपेंसेस में 10,000 रुपया और खर्चा कर दीजिएगा तो 80,000 रुपया हो गया। और जब मान लीजिए आपको कोई काम मिल गया, काम मिल जाने के बाद आपको उसका एग्रीमेंट करने में, मान के चलिए फिर भी आपको उसमें एग्रीमेंट करने में 1-1.5 लाख रुपया लग गया, तो आपको टोटल मिला के 2 लाख रुपया काम करने से पहले लग चुका होगा। और जब आप काम शुरू करने जाइएगा तो काम करने में आप 2 लाख 2.5 लाख का काम कीजिएगा तो आराम से आप उसके बाद 10 लाख या 50% पैसा निकाल सकते हैं अपने JEE SDO से बात करके, जिससे कि आपका वो काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। मान लीजिए किसी कारण से अगर पैसा लेट होता है तो आपका पैसा बढ़ सकता है, नहीं तो ऐसे में 3 से 4 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें ना करें सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं।